आज हम जा रहे हैं होली के लिए, उदयपुर जाएंगे, नागौर जाएंगे। बजे 10-5 बजे हम पहुँच जाएंगे ना, क्योंकि अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन डांटनी पड़ेगी हमको 3 दिन के लिए। हमको पता है हमारे साथ था कुछ भी जाएगा। चलो उदयपुर जाते समय ना रास्ते में ये प्लाश के फूल बहुत सारे थे, बहुत सारे, और मुझे बहुत पसंद है। मैंने ऐसे बस बोला और पापा और लवली तोड़ने लग गए, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। लवली की रोटी खा गई इधर। नमस्कार, हम आए हैं आज उदयपुर। उदयपुर में हमने ये देखिए, ये लिया है हमने एयरबिन, बुक करा है हमने 3 दिन के लिए। ये देखिए हमारा एयरबिन कैसे लग रहा है आपको। यहाँ से हमारी एंट्रेंस है, ये हमारा ऊपर का सब, ऊपर हम खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं। और ये है हमारा सारा घास, यहाँ पर बैठ कर डिनर कर सकते हैं। और ये आगे हमारे बच्चों का फेवरेट जगह, स्विमिंग पूल। ये देखिए जिस पीछे बच्चों ने ये एयरबिन बुक करा है, प्राइवेट बीच चाहिए इनको, अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल चाहिए। अब आप घर के अंदर जाते हैं, फिर ये हमारी है एंट्रेंस। देखिए ये बैठने की सीटिंग जो है कितनी बढ़िया बनाई है, हम बैठ के सुबह न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर नहीं है बस गप्पे मार सकते हैं। चलो फिर ये स्टेप सिटी रूम जो घर होता है वो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। और ये हमारा लिविंग रूम, यहाँ पर चेयर वगैरह पड़ी है, बुक्स भी पड़ी है, ये देखो कितना प्यारा है। फिर उसके बाद हमारा एक बेडरूम ये है, 3 बेडरूम नीचे है और 2 बेडरूम ऊपर है, 5 बेडरूम है। और यहाँ से इसकी बालकनी कितनी अच्छी है, ये सुंदर है ना, मोर आते हैं या फिर भी? हाँ, सुबह वीडियो दिखाएंगे, ये कह रहे मोर आते हैं। ये हमारी मैडम खड़ी है, हाय। अभी मैं आपको 3 बेडरूम तो नहीं दिखा सकती, सब एक जैसे हैं, 2 दिखा देती हूँ। एक बेडरूम ये है, ये दिखाती हूँ, ये आपकी किचन है। एक बेडरूम ये है, ये लवली विशु ने लिया बेडरूम, वो जो आपने पहले देखा था वो हमारा था। ये हम है, ये हमारी माता है। अभी हम जा रहे हैं मार्केट का व्यू करने, वहाँ पर आपको दिखाएंगे। अब ऊपर का बेडरूम मैंने दिखा दिया, जब जाऊंगी तो दिखाऊंगी। चारों गए थे आज श्रीनाथ जी, और बच्चे कह रहे थे कि हम सारा वहाँ घूमेंगे उदयपुर। ये आए हैं, हमारे घर के पास ही था एयरबिन के पास ही बड़ी लेक। बड़ी लेक में बच्चों ने बहुत मस्ती करी, यहाँ पर पूरा फुल एंजॉयमेंट लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे गंगौर घाट। गंगौर घाट में थोड़ा सा ही हम सीन दिखाएंगे आपको, क्योंकि थोड़ा सा ये घूमे और उसके बाद ये चले गए। बहुत ये गंगौर घाट है, देखो ये फोटो शूट लिया इन्होंने थोड़ा। फिर उसके बाद ये गए जींस कैफे, बहुत ही सुंदर बना हुआ है अंदर से भी। और उसके वो फेमस इसलिए क्योंकि उसके जो ये जो टॉप फ्लोर है ना, यहाँ से पूरी झील दिखती है और ऐसा लगता है कि झील के अंदर ही बैठे हुए हम। फिर उसके बाद हम गए ये बोटिंग करने के लिए फतेह सागर लेक में। फतेह सागर लेक में इन्होंने बच्चों ने वोटिंग करी, हम दोनों ने वोटिंग नहीं करी थी। फिर उसके बाद इन्होंने फोटो शूट वगैरह इधर लिया, इंजॉय लिया इसका बोटिंग का। और उसके बाद फिर हम गए सहेलियों की वाड़ी। जी हम यहाँ आ गए सहेलियों की वाड़ी। यहाँ पर ना हमने लवली के पापा ने गाइड कर लिया था, तो गाइड थोड़ा ना एजिड था, तो वो धीरे धीरे बताता था फिर रुक जाता था। उसमें सबसे पहले अच्छा ये सुनो, ये था क्लैपिंग करो, राजा जी पहले जो थे ना यहाँ के राजा क्लैपिंग करते थे, तो पानी ये देखो ये क्लैपिंग करी पानी चालू हो जाएगा, दूसरी बार क्लैपिंग करी पानी बंद हो जाएगा, ये जादू था। हमने भी ऐसे करा, एक्चुअली में पता क्या था, उन्होंने वॉल पे वो एक लड़का बिठा रखा था, वो वॉल बंद करता था खोलता रहता था, ये था एक्चुअली में। अगर ये लवली ब्लॉग में नहीं डाला मैं ये ब्लॉग में मैं बता रहा हूँ, लवली ने हमें एयरबीएनबी भी बुक करवाया था, उसने हमें जाने से पहले खूब कहा कि भाई बगल में तुम्हें वो मिलेगा 5-स्टार होटल में, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और बगल में तुम ऐसे हाथ करोगे बाहर निकलते ही सीधा BMW रुक जाएगी तुम्हारे लिए पर्सनल, और शेफ है तुम्हारा वापस टैंशियो है पेरिस से शेफ रखा है भैया। हम होटल में गए खंडर, कुछ नहीं था भैया, हम एक दूसरे की शक्ल देख के डर गए।
इतनी गंदी प्रॉपर्टी बुक करी है यार, कुछ नहीं है आसपास। वो अगले दिन न्यूज में आता है कि एक जगह थी वहाँ से पेंसिल निकल गया, वही हम रह रहे हैं। भाई मैं आपको एक बार दिखाऊंगा ब्लॉग में वो जगह, रात को दिखाऊंगा, आप हॉरर फिल्म देखना बंद कर दोगे, मैं बता रहा हूँ। मेरे को वो जगह पसंद है, मैं तो वापस जा रहा था गाइस। কিছু ফটো কি দেখে দেখো बच्चे यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो बाहुबली पहाड़ बोलते हैं जिसको, ये हमारे एयरबीएनबी के बिल्कुल सामने ही था। और लवली हंस रही है, मैंने कुछ गलत बोला, आपको भी कुछ गलत लगे तो इग्नोर कर देना, ठीक है? वो रहा है अभी। ये हमारी लास्ट रात है एयरबिन में, जहाँ पे हमने बहुत इंजॉयमेंट किया, इतने सारे गेम खेली, म्यूजिकल चेयर खोला, लंगड़ी टांग खेला, पकड़म पकड़ी खेला, जो भी खेला हमने बहुत इंजॉय किया, मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए। Oh my god.